हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? तो आज का मेकअप लुक कैसा लग रहा है आप लोग को? ये वन ऑफ द बेस्ट मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है अभी तक का। तो ये लुक मैंने क्रिएट किया है करवा चौथ के लिए। आप किसी भी इंडियन फेस्टिव या आप वेडिंग गेस्ट हो, उसमें आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही स्टनिंग लगेगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ अपने फेस को प्राइम करनी हूँ। प्राइम करने के लिए मैंने यहाँ पे NYB का ये प्राइमर लिया। जितने भी प्रोडक्ट हैं उसकी बाइंग लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे लिया है शुगर का ये ड्रॉप द बेस सीरम फाउंडेशन, और बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है ये। तो इसे इस तरह से फेस पे डाल लूँगी। ये देखो, ज़्यादा निकल गया था। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ये एक ड्यूई फिनिश आपको प्रोवाइड करता है, और इसकी कवरेज जो है लाइट टू मीडियम है। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे पर्पल का एक कंसीलर पैलेट, और उसमें से ये शेड लेके मैं अपने अंडर आई में अप्लाई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि ये क्रीम प्रोडक्ट है ना, तो अच्छे से फैल के और इवन आउट कर देगी स्किन को। ओके, तो यहाँ देख लो, मैं अपने अंडर आई में फोरहेड पे हल्का सा ब्रिज ऑफ नोज, सेकेंड अंडर आई में भी कर रही हूँ, और क्यूपिड बो, कॉर्नर ऑफ माउथ, चिन, हर जगह अच्छे से हल्का हल्का सा अप्लाई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैंने नहीं लिया है। अब मैं इसे सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ मेरी जो डॉटर है वो उठ गई थी, और ये देखो, जब मेकअप करते टाइम मैं जो भी मेरे हाथ में होता है ना, वो उसे छीनने लगती है, उसे खेलना होता है। तो ये देखो, वो कोशिश कर रही है कि छीन ले। ओके, तो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसी तरह से मैं जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई किया है अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये देखो, कंसीलर ब्लेंड हो गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैं ब्लू एवन का ये लूज़ पाउडर ले रही हूँ, और सबसे पहले अंडर आई में जो है इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में लूज़ पाउडर लेके और इस तरह से बेक करूँगी अपने अंडर आई को। उसके बाद मैं यहाँ एक ब्रश की हेल्प से अपने आईलिड और पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। हल्का हल्का जो लूज़ पाउडर है वो अप्लाई कर लूँगी अपने नेक पे भी, क्योंकि यहाँ भी मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया था। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ मास्क का ये आई शेडो पैलेट, 9 कलर आई शेडो पैलेट है, और उसमें से ये डीप मरूनिश शेड लेके, देख रहे हो कितनी पिगमेंटेड है, बस एक बार डिप किया और ये कलर आ गया, देख रहे हो। इसे मैं आउटर कॉर्नर में पहले मैंने कलर को प्लेस किया है, उसके बाद मैं पूरे क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ, और क्रीज के हल्का सा ऊपर भी। देखो, इस तरह से मैंने कलर की जो इंटेंसिटी है वो बिल्ड कर ली है। फिर ये पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से उस ब्राउन शेड को लेके मैं डायरेक्ट अपने क्रीज को टिप इन अप करूँगी, और आउटर वी को इस तरह से डीप कर रही हूँ। उसके बाद मैंने पहले आउटर वी में कलर को प्लेस किया है, उसके बाद इनर कॉर्नर की तरफ इस तरह से क्रीज में इस कलर को मेन फोकस कर रही हूँ। ओके, तो ये भी हो गया। अब मैं क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेके दोनों कलर को हल्का हल्का सा मर्ज कर दूंगी, ताकि वो लाइन सी ना बने, ब्लेंडेड लगे। उसके बाद मैं यहाँ एक ब्रश की हेल्प से इस तरह से कंसीलर लेके ब्रश पे और कट क्रीज ड्रॉ कर लूँगी। कट क्रीज करने के बाद क्या होता है ना, कि जो भी कलर आप इसे प्लेस करते हैं उसकी फिनिश जो है ना, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये देखो, मैं इस तरह से, मैं ये बहुत ही स्लो करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि टाइम लगता है कट क्रीज बनाने में। इस तरह से आउटर की तरह हल्का हल्का सा ब्लेंड कर दिया। फिर मैं यहाँ ले रही हूँ इनसाइड की ये लूज पिगमेंट, ये गोल्डनिंग काइंड ऑफ कलर है। तो इस तरह से पूरे कंसील जहाँ हमने कट क्रीज बनाई थी उस पर पैट कर दिया है, और कंसीलर को मैंने सेट नहीं किया था, इससे कलर जो है ना बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। फिर मैं हल्का सा और ब्राउन शेड लेके और इस तरह से गोल्डन शेड के साथ उसको मर्ज कर दूंगी, ताकि हल्का ब्लेंडेड लुक रहे, वो स्ट्रोक लाइन जो है ना वो नहीं दिखे। ओके, तो दोनों आँख का जो मेकअप है मेरा डन हो गया है। अब मैं रेड और ब्राउन दोनों शेड को हल्का हल्का सा मिक्स करके और अपने लोअर लैश लाइन में इस तरह से अप्लाई कर लूँगी, और अपर कॉर्नर से भी कनेक्ट कर दूँगी। ओके, तो ये भी मेरा हो गया है, देख लो, इस तरह से ब्लेंड कर दिया है मैंने दोनों लोअर लैश लाइन को। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर मेरे अंडर आई में था, मैं उसे इस तरह से डस्ट ऑफ कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ स्विस ब्यूटी के मेटालिक ग्लिटर आईलाइनर है ये ब्लैक कलर की, उसे मैं इस तरह से विंग लाइनर जो है ड्रॉ कर लूँगी। बहुत मोटा मैंने ड्रॉ नहीं किया था, हल्की सी थिन लाइनर मैंने रखी थी।
अगर इस आईलाइनर को आप अलोन भी लगाओगे ना सर, तो भी आईलाइनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चंकी ग्लिटर्स नहीं है इसमें, बहुत अच्छा लुक आता है इससे। ओके, तो अब मैं ये पर्पल की काजल ले रही हूँ और इसे अपने वाटर लाइन में अप्लाई कर लूँगी और अपर वाटर लाइन में भी अप्लाई कर लूँगी, ताकि वो जो स्पेस है ना वो खाली ना दिखे। उसके बाद मैं यहाँ पे मेबरिन का ये हाइपरकर्ल मस्कारा ले रही हूँ और इसे अपने अपर और बॉटम दोनों लेसेस पे अप्लाई कर लूँगी। सिर्फ एक कोट मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि बाद में मैं फॉल्सेस अप्लाई करने वाली हूँ। अब मैं यहाँ शुगर की ये आईब्रो डिफाइनर ले रही हूँ और इससे अपने आईब्रोज को है हल्का हल्का सा ड्रॉ कर लूँगी, फिल कर लूँगी, क्योंकि मेरे आईब्रोज जो है ऑलरेडी बहुत थिक है और डार्क भी हैं। ओके, तो मेरा यहाँ आईब्रो भी डन हो गया है। अरे जल्दी करो, कितना टाइम लग रहा है। फिर मैं यहाँ ले रही हूँ कप्स एंड लेसेस की ये कपी केक्स, ये शेड है कॉन्टो, और इससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। पहले अपने डबल चिन बहुत ज़्यादा हो गई, मेरी मोटी हो गई हूँ, तो उसे हाइड कर लूँगी अपने फोरहेड पे, अपने नोज़ पे, हर जगह कॉन्टोर कर लूँगी मैं। अब मैं ये सेम रेंज की कपी केक जो है कप्स एंड लेसेस की, वो ब्लश ले रही हूँ। देख कितना सुंदर शेड है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है ये प्रोडक्ट। फिर मैं कप्स एंड लेसेस की ये हाइलाइटर ले रही हूँ और इसे अपने चिकबोन पे, अपने क्या बोलते हैं इसे, ब्राउन, हाँ ब्राउन को हाईलाइट कर लूँगी, ब्रिज ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, फोरहेड, अपने क्यूपिड बो को भी इससे हाईलाइट की, जहाँ मतलब बेसिकली हम जहाँ जहाँ हाईलाइट करते हैं वहाँ वहाँ मैं अच्छे से हाईलाइट कर लिया है और अपने इनर कॉर्नर में भी अप्लाई कर लिया है सेम हाईलाइटर को। उसके बाद मैं शुगर की ये लिक्विड लिपस्टिक ली है, जिसमें कि आपको एक एंड पे लिक्विड लिपस्टिक मिलती है और दूसरे एंड पे आपको लिप ग्लॉस मिलता है। तो यहाँ मैंने लिप ग्लॉस को भी अप्लाई किया है, एकदम ग्लॉसी लिप्स लग रही थी मेरी, बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई भी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, बहुत अच्छा लगा मुझे लिप डुओ। फिर मैं यहाँ अपनी फॉल्सेस अप्लाई कर रही हूँ जो कि है हिलरी रोडा की, और आईलैश ग्लू जो है वो है यूरोप गर्ल की। ये देखो लेसेस लगाने का स्ट्रगल चल रहा है, इसलिए मैं ऑफ कैमरा अप्लाई करती हूँ। ओके, एक जो आईज पे है ना वो मैंने लेसेस लगा ली है, डिफरेंस देखो दोनों में। उसके बाद मैंने यहाँ पे बिंदी लगा ली है। फिर ये रहा मेरा फाइनल फिनिश लुक, जो कि रेड साड़ी के साथ मैंने कैरी किया है, और ये मेरी ज्वेलरी है। तो आप बताना कमेंट करके कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।